हेलो दोस्तों, सूरज कंप्यूटर में आपका स्वागत है। ये हमारे पास एचपी का प्रिंटर है, एचपी इंक टैंक वायरलेस 419 419, और ये वायरलेस है। इसमें किसी वायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फ़ोन से भी कमांड दे करके वाईफाई के थ्रू इससे प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने प्ले स्टोर ऐप से, मैं बताता हूँ कैसे होता है, ये प्ले स्टोर ऐप के थ्रू हम डाउनलोड करते हैं। इसकी ऐप है जिसका नाम है एचपी स्मार्ट। ये हम यहाँ पर सर्च करेंगे एचपी स्मार्ट। सर्च करने के बाद ये हमें ऐसा इंटरफेस आएगा, और एक्चुअली हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन का आ रहा है। अगर आप करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अभी हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अपने इस प्रिंटर को सर्च करेंगे और कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमने वाईफाई ऑन किया। ये वाईफाई ऑन करते ही हमारे पास ये आ गया मॉडल नंबर और जो भी डिटेल्स हैं इसके, और इसे हम करके टच करके इसे कनेक्ट करेंगे हम। ये अभी कनेक्टेड आ गया। अब हम यहाँ से कमांड देंगे प्रिंट का, जो हमारे पास प्रिंट अब हम कमांड देते हैं। जो हमारे पास डेटा है, कंटेंट है, ये देखिए हमारे व्हाट्सएप पे कंटेंट आया हुआ है, ये पीडीएफ में है, और ये प्रिंट आउट हमें निकालना है। अब हम कमांड देंगे इसका, हमें चाहे जो भी क्वालिटी चाहिए हम उसे चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ शेयर का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर सारा इंटरफेस आएगा कि प्रिंटर आपका कनेक्ट है या जो भी चीज़ है, उसमें क्वालिटी और उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी है मैं चूज करेंगे। ये हमारा प्रिंटर कनेक्ट है और ये आ गया इसका इंटरफेस। अब हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, ये रहा। यहाँ पे क्वालिटी जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे अपना, जो भी हमें चाहिए। हमने नॉर्मल चूज किया और अभी थोड़ी देर में प्रिंट होगा। कमांड दे दिया हमने, अभी आप देखो इसमें बस अभी पावर केबल कनेक्ट है, बाकी कोई प्रिंटर केबल अदर कनेक्ट नहीं है वायर। और अगर हमारे पेज पे आप नए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एचपी या अदर कोई भी किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो तो आप सूरज कंप्यूटर में आके उसे सर्विस करा सकते हैं। किसी इसकी कोई भी प्रॉब्लम हो हम सॉर्ट आउट करते हैं आपके डोर स्टेप पे भी और शॉप पे भी। ये प्रिंट आउट आपके सामने है। कमांड था जो आपके सामने है, सेम लिखा हुआ है प्रिंट आउट, और ये आगे से दो पेज में था, दूसरा पेज भी आ रहा है।